झूठ कहते हैं लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना तो कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभने का। चैलेंज के 22nd वीडियो में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आप सबका स्टिच एंड स्वेयर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे चोली का स्टिचिंग विथ एनवलप स्लीव। इसके कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसके कटिंग का वीडियो देखें, उसके बाद इसके स्टिचिंग का वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, हमने जो बेंगलोर सिल्क साड़ी से चोली का कटिंग किया था, आज हम उसका स्टिचिंग देखेंगे। ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना अस्तर का कपड़ा और मैन फैब्रिक का कपड़ा एक साथ पिनअप करके अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से मैंने बराबर से मिलाते हुए पिनअप कर लिया है। आप चाहें तो सुई धागा लें और इसे चारों तरफ से कच्चा भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। उसके बाद हमने ये मार्क किया हुआ है नेक लाइन का, तो दोनों तरफ मार्किंग आसानी से हो जाए उसके लिए हमने, ये है 9 इंच का बैक डीप है हमारा, तो हमने बैक में कटिंग कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से इस लाइन को हम चौक से गहरा कर देंगे फ्रंट पार्ट को। फ्रंट बैक नेक तैयार करने का तरीका सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे और इस तरीके से नेक का ब्रॉड इस तरीके से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे सेंटर से, जितना भी आपने ब्रॉड लिया सेंटर से हाफ करके इधर ले लिया और उसका हाफ इधर ले लिया, ये हमने मार्क किया है। दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे और इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से थोड़ा थपथपा दें, तो ये हमारा मार्किंग जो है नेक का, ये दोनों साइड आ जाएगा। इस तरीके से नेक बनाना बहुत आसान है। उसके बाद हमारे सेंटर आउट ना हो कुर्ती का, उसके लिए हमने एक सेंटर में भी पिनअप किया हुआ है। स्टिचिंग से पहले एक बार और जांचना होगा आपको कि कहीं से हमारा अस्तर या मैन फैब्रिक छोटा बड़ा तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग किया है अपने नेक ब्रॉड का, सेंटर से स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये हमने सीधा भाग अंदर की तरफ रखा है अपने अस्तर का भी और मैन फैब्रिक का भी, और उल्टे साइड से हमने अपने अस्तर को रखा है नीचे, मेन फैब्रिक का भी उल्टा हिस्सा है और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो अस्तर का भी उल्टा हिस्सा है जिधर मार्किंग दिख रहा है। अब हम जैसा हमारा मार्किंग है नेक का, हम उस पर स्टिच करेंगे। सेंटर से स्टिच करेंगे एक साइड के शोल्डर तक पूरा करेंगे, फिर सेंटर से स्टिचिंग शुरू करेंगे दूसरे साइड के शोल्डर तक, अपने नेक के राउंड को पूरा करेंगे। फ्रंट बैक में हम सेम तरीका अपनाएंगे। हमने सेंटर से स्टिचिंग शुरू किया, एक साइड का पूरा कर लिया है शोल्डर तक, उसी तरीके से दूसरे साइड का भी हम पूरा करेंगे और ऐसा ही बैक का भी तैयार करेंगे। ये हमारे पूरे नेक राउंड में स्टिचिंग हो चुका है, धागे वगैरह साफ कर लेंगे। उसके बाद क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने स्टिच किया है उसके इधर अंदर की तरफ और पूरे गोलाई में अपने नेक का कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रहे क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ना है, ना उससे कम छोड़े ना ज्यादा छोड़े। ये हमने नेक का कटिंग कर लिया है। अब हम अपने
नेक के पूरे गोलाई में छोटा छोटा कट डाल देंगे। कट डालने से पहले ध्यान रखेंगे कि कट डालते समय हमारा स्टिचिंग जो हमने किया है वो नहीं कटना चाहिए। ये हमने थोड़ी थोड़ी दूर पे कट डाल दिया है, अब ये बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। सारे पिन को हम निकाल देंगे और अपने अस्तर के कपड़े को हम मैन फैब्रिक के उल्टे साइड के तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, हमें अलग से पट्टी भी नहीं लगाना पड़ा और हमारा नेक भी झटपट से तैयार हो चुका है। जैसा हमने फ्रंट तैयार करके दिखाया सेम उसी तरीके से हमें अपने बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से अच्छे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधे साइड में अस्तर का कपड़ा नेक के साइड नहीं दिखना चाहिए, बराबर से एकदम स्टिचिंग सेंटर में होना चाहिए और हम ऊपर से एक टॉप स्टिच बिल्कुल किनारे पे लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर और मैन फैब्रिक का जो मार्जिन है अंदर की तरफ वो अच्छे से सेट हो जाए। जैसे हमने अपने फ्रंट का तैयार किया है नेक, उसी तरीके से सेम हमने बैक का भी तैयार कर लिया है और इस पर भी हमने टॉप स्टिच लगा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चारों तरफ से अपने अस्तर और मेन फैब्रिक को मशीन में बड़ा टका करेंगे और उसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे अस्तर और मैन फैब्रिक को, ताकि जब हम एक साथ ज्वाइंट करें दोनों को और फिटिंग का स्टिच लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा फ्रंट बैक भी तैयार हो गया है, अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ दोनों हमने अलग अलग सेट कर लिया है। अब शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे फ्रंट बैक दोनों का, जितना आपने मार्जिन लिया है उसका ध्यान रखते हुए स्टिच कर लेंगे। एक साइड का पहले स्टिच कर लीजिए शोल्डर, फिर उसको दूसरे के साइड रखते हुए चौक से मार्क कर लीजिए कि हमने पहले वाले को कितना सिला है, उसी के हिसाब से हमें दूसरे साइड का भी शोल्डर स्ट्रिप तैयार कर लेना है। ये हमारा फ्रंट बैक का शोल्डर भी अटैच हो चुका है बराबर मार्जिन से। अब जैसा हमारा फिटिंग का मार्किंग है हम फिटिंग का मार्क लगा लेंगे जहां तक हमें चाक ओपन करना है, इस तरीके से लाइन हल्का है तो थोड़ा गहरा कर लेते हैं। दोनों साइड हम ऐसा ही करेंगे और फिटिंग का मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद हम चाक फोल्ड करने से पहले अपना ये घेरे का हिस्सा तैयार कर लेंगे, जितना हमारा तैयार लेंथ है उसको छोड़ते हुए ये नीचे का कपड़ा जो है हम इस तरीके से रख लेंगे। आप चाहे तो मशीन चला ले या हाथ से तुरपाई कर ले इस तरीके से फोल्ड करके, हम इसे तैयार करते हैं फिर मैं आपको स्लिप तैयार करना बताती हूँ। हमने अपने मार्किंग के हिसाब से फिटिंग कर लिया है, अब हम मेजर टेप से अपना लेंथ देख लेंगे कि हमें नीचे से
अपना घेरा कितना फोल्ड करना होगा। तो जहां तक बॉर्डर दिख रहा है वहां तक हमारा तैयार लेंथ है। ये प्लेन हिस्सा जो दिख रहा है वो हम उतना हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद अपना पूरा चाप भी तैयार कर लेंगे। ये हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम चाक फोल्ड करेंगे एक साइड के घेर से, नीचे से शुरू करेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम दूसरे साइड के घेरे तक तैयार कर लेते हैं। ये हमारे चोली का चाक भी फोल्ड हो गया है। चलिए अब स्लीव तैयार करते हैं। ये हमने एनवलप स्लीव कटिंग किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके कटिंग का वीडियो पहले देखें, उसके बाद इसके स्टिचिंग का वीडियो देखें। तो ये देख सकते हैं हमने मार्किंग भी किया हुआ है। ये है हमारे ऊपर जो दिख रहा है ऊपर की तरफ, वो है आर्म होल का हिस्सा, और जो नीचे दिख रहा है आपको ये हमारे मोहरी का हिस्सा है। जब आप पेपर कटिंग करें इसका, तो पेपर में ही लिख दें कि कौन सा आर्म होल का हिस्सा है और कौन सा हमारे मोहरी का हिस्सा है, तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है कटिंग के वीडियो में पेपर को कैसे हमें फोल्ड करना है। अब इस तरीके से ये हमने मार्किंग किया हुआ है कि कहां से हमें उठा के अपने प्लेट को आगे लेके जाना है। तो जब हम स्लीव बनाएंगे तो उसका ध्यान रखेंगे। ये हमने फर्स्ट लिख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को इस तरीके से उठाएंगे और जो सेंटर वी बना है इसके लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसे यहाँ तक फोल्ड कर देना है। देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइन के साथ साथ आना चाहिए इस तरीके से, जैसा हमने पेपर में दिखाया है फोल्ड करते हुए। उसी तरीके से ये हमने सेकंड नंबर लिखा है। अब हम उठाएंगे सेकंड नंबर प्लेट को और इस तरीके से इसे भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जब आप इसे मिलाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमारा ये वी शेप में हमने मार्क किया है उस लाइन से ऊपर इस तरीके से मिलके आना चाहिए, नहीं अगर ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा तो हमारे जो स्लीव का सेंटर है वहां का शेप जो है वो डिजाइन का खराब हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये हमने सेंटर में मार्क किया है, तो बिल्कुल हमारा जो हमने प्लेट ओवरलैप किया है एक दूसरे के ऊपर, तो सेंटर से सेंटर हमारे स्लीव का सेंटर और ये डिजाइन का सेंटर बिल्कुल शेप में आ रहा है। बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर हमारा वी शेप बना हुआ है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम पहले इस प्लेट को एक कच्ची सिलाई लगा के सेट कर देंगे, ताकि ये हमारा सेटिंग खराब ना हो और ये प्लेट इधर उधर छोटा बड़ा ना हो जाए कपड़ा खिसक के। जैसा हम ये बाजू तैयार करेंगे सेम उसी तरीके से हम दूसरा भी स्लीव तैयार कर लेंगे। चलिए पहले इस प्लेट को हम स्टिच करते हैं। अगर आपको दिक्कत हो सिलने में तो आप इस तरीके से पिन अप कर लीजिए, ताकि स्टिच करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने इस तरीके से
नीचे अपने प्लेट को सेट करते हुए स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमने साड़ी से ही ये बॉर्डर निकाला था पल्लू के हिस्से में से। इसकी चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई का हमने दिखाना है अपने स्लीव के मोहरे में इस बॉर्डर को, और उसके बाद 1/2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है, यानी टोटल चौड़ाई जो है हमने 3 इंच का कट किया है मार्जिन लेते हुए। अब इसे ज्वाइंट करने के लिए ये देखिए उल्टे साइड से हमारा स्लीव कुछ इस तरीके से दिख रहा है और सीधे साइड से हमारा डिजाइन इस तरीके से दिखेगा। अब हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए मोहरी में उल्टे साइड से ये पट्टी हमारी फोल्ड है, उल्टे साइड से पट्टी का उल्टा हिस्सा जो है अंदर की तरफ रखेंगे और एक साइड से मोहरी के इस तरीके से रखेंगे, और जितना भी मार्जिन लिया है हमने उस मार्जिन के हिसाब से ध्यान रहे हमारा स्लीव जो है मोहरी के हिस्से में थोड़ा सा ओरेब कटा हुआ है, बिल्कुल भी स्लीव को खींचना नहीं है आपको, एकदम लूज छोड़ते हुए हमें अपने बॉर्डर को मोहरी में अटैच करना है। जो भी ये फालतू बच रहा है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को जो स्लीव का मार्जिन है और ये बॉर्डर का मार्जिन है इस तरीके से स्लीव के साइड को फोल्ड करते हुए हम ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन सेट हो जाए। हमने टॉप स्टिच लगा लिया है उल्टे साइड से। इस तरीके से जब आप पट्टी लगाएंगे स्लीव में तो उल्टे साइड से भी आपका फिनिशिंग दिखेगा और सीधे साइड में भी फिनिशिंग दिखेगा, बहुत अच्छा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपने पट्टी को जितना हमें दिखाना है बॉर्डर उतना इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारे पे 1 पॉइंट जितना छोड़ते हुए हम स्टिच लगा लेंगे सीधे साइड से। इस तरीके से हमारे मोहरी में स्लीव के बॉर्डर भी लग के तैयार हो चुका है। अब नॉर्मल तरीके से जैसे हम स्लीव तैयार करते हैं इस तरीके से डबल करेंगे और जितना आपको मोहरी रखना है मार्क कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना हम फिटिंग कर लेंगे। ये है हमारे फिटिंग का मार्क स्लीव के, ये हमने मार्किंग कर लिया और हम फिटिंग कर लेंगे। जैसा हमने एक बाजू तैयार किया है सेम उसी तरीके से हमने ये दूसरा भी बाजू तैयार कर लिया है। इस बाजू का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आता है, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। अब जैसे हम नॉर्मल तरीके से अपना स्लीव अटैच करते हैं अपने ड्रेस में, उसी तरीके से फ्रंट बैक का ध्यान रखते हुए स्लीव को हम सीधा रखेंगे, अपने ड्रेस को उल्टा करेंगे इस तरीके से, और जिधर हमने फ्रंट लिखा हुआ है ये देख सकते हैं ये फ्रंट है, जो फ्रंट हिस्सा है स्लीव का गहराई वाला हिस्सा वो हमारे
फ्रंट के हिस्से में आना चाहिए आर्म होल के साइड। इस तरीके से स्लीव को सीधा रखेंगे, ड्रेस को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से हम अंदर से डाल देंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले यहाँ शोल्डर के पास पिन अप कर लें, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारे स्लीव का सेंटर कहाँ पर है और आउट ना हो जब आप ज्वाइंट करें स्लीव को। चलिए मैं इसको ज्वाइंट करती हूँ। पूरे गोलाई में हम स्टिच लगा लेंगे, दोनों स्लीव को ज्वाइंट करते हैं, फिर मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।